वालेकुम, मैं परेशान व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज ही हमारा टूर है, एक जगह पे आए हुए हैं। टिब्बा है, एक ऊंची जगह है जहाँ पे हम आए हुए हैं। ये इसके बारे में कहते हैं कि एक 100 साल पहले एक शहर होता था और किसी वजह से ये शहर उल्टा हो गया था। मतलब नीचे की चीज़ें ऊपर आ गई थी और ऊपर की चीज़ें नीचे आ गई थी, तो जो नीचे वाला शहर था वो तो ख़त्म हो गया था, तो ऊपर वाली जगह बिल्कुल प्लेन हो गई थी। देखें, ये आप देख रहे हैं, टिब्बा टाइप बना हुआ है, इसका नाम है टिब्बा जनूबी भी कहते हैं। ये एक बहुत पुराना शहर था 100 साल पहले, तो जैसे ही मतलब ये कोई आफत आई होगी, कोई मसला बना होगा, तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया था। ये देखें, नीचे वाली चीज़ ऊपर आ गई थी। ये सारा व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये देखें जी, ये टिब्बा बिल्कुल बहुत ऊँचा है यहाँ से ज़मीन से, और इसके नीचे इमारतें थी। वो कहते हैं कि यहाँ पर जब कब्रिस्तान बना, तो कब्रिस्तान के लिए खुदाई जब की गई तो नीचे से ईंटें निकलती हैं। ये ऊपर दरबार भी बनी हुई है। ये हमारे सिटी से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे है, फतेहपुर वाली साइड पे है। ये अलीपुर से 10 किलोमीटर के फासले पे है फतेहपुर, झुग्गीवाला रोड पे, तो उससे करीब है। ये देखें जी, टिब्बा कितनी ऊंचाई पे है। ये छोटी सी इमारत भी बनी हुई है। ये एक बैठने की जगह भी यहाँ पे है, और यहाँ पे जो मुसाफिर आते हैं उनके लिए पानी भी रखा हुआ है। ये देखें, इनके लिए पानी भी रखा हुआ है, और ये कच्ची मटकी है जिसमें पानी रखते थे किसी ज़माने में। ये देखें, इसमें पानी भरा हुआ है। ये देखें, पानी भरा हुआ है और इसमें पानी ठंडा रहता है। ये देखिए, पुराने ज़माने का जो है एक किस्म की अलमारी है जिसमें उन्होंने अपना सामान रखा हुआ है। ये देगची भी रखी हुई है जिसमें खाना छाना बना सकते हैं मुसाफिरों के लिए। ये जगह बेहतरीन बनाई हुई है। ये देखें जी, और वाकई ये एक पुराना शहर था। 100 साल पहले जो शहर बनाया गया था, तो किसी आफत की वजह से, अल्लाह पाक ने आफत दी होगी या कोई मुसीबत आई होगी, जिसकी वजह से शहर पूरे का पूरा उल्टा हो गया था। और ये सारा कुछ ये देखें जी, यहाँ पे एक पुराना शहर, बहुत पुराना शहर है ये। ये तो मुझे लगता है कि सैलाब की बारिश की वजह से हुआ ना ये। ये ऐसे दराड़े जो पड़ गई हैं, दराड़े जो हुई हैं, ये पांच सैलाब के पानी की वजह से। ये देखे, अभी तक ईंटें इसके अंदर लगी हुई हैं। हाँ, ये देखे, सही है। मतलब पहले इसके नीचे इमारतें हुआ करती थी, इमारतें हुआ करते थे, यहाँ पे दुकानें मकान है। जी जी जी, सही। बसीर लोग थे यहाँ पे, सही बात है। हाँ, ये देखें, इसमें जो है ना, ये नीचे ये ईंटें हैं, ये दुनिया बसती थी यहाँ पे। ये देखें जी, ये सब ईंटें निकलते हैं। ये देखें, रफीक साहब बहुत चलते हैं, वो बाकी अच्छी जगह है। ये देखें जी, यहाँ पे जी ये इमारत थी, यहाँ पे कुआं बना हुआ है। ये देखें जी, यहाँ पे एक कुआं था या फिर कोई और जगह और कोई चीज थी इसके नीचे। ये ये जब उल्टा हुआ था तो ये नीचे की तरफ आ गया है। ये देखें जी रफीक साहब, बाकी ये काफी पुरानी जगह है, बहुत पुरानी जगह है, काफी पुरानी जगह है ये। इसकी तारीख बहुत, हाँ, तकरीबन 100 साल, 100 साल है इसकी तारीख। 100 साल तक जो है ना, हम इसकी तारीख सुनते। देखें जी, हमने आपको बताया कि यहाँ पे काफी पुराना शहर आबाद था, तो आसमानी आफात की वजह से कह सकते हैं, या अल्लाह पाक की नाराज़गी की वजह से हम कह सकते हैं कि ये शहर उल्टा हो गया है, और जिसकी वजह से सारा निज़ाम धर्म बरम हो गया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी इमारतें नीचे बनी हुई है। एक कुआँ था, और ये देखें, ये कुआँ था, जो कुआँ नीचे की तरफ जब आया, ये अभी तक इसकी ईंटें सलामत हैं। कुछ ईंटें टूट गई हैं, कुछ ठीक हैं, और ये पूरे का पूरा जो शहर था वो चेंज हो गया है। इसमें मलबे में तकसीम हो गया था। वाले
ते असा उना के भी ए बही पुरानी जगह है पुरानी जगह पुराना शहर ते कल्टी थी गया उल्टा थी गया जी हां उल्टा होया पे अच्छा इने बारे दसो तुसा ये बुजुर्ग दस ने को गौ माता किराड दे सल्तनत दे गौ माता को किराड दे सल्तनत है हां ए अच्छा जी में मरहब काफिर है अच्छा ए उए किस्म दा एक बंदा है हां हां बुजुर्ग आदन दे किला घर के थिया होया अच्छा चार सात कुएं दी बादशाह सात कुएं दी बादशाह जी हां अच्छा ए बल होण मुक गए खत्म थी गए किमे आफत किमे है किमे खत्म ओ बुजुर्ग दा सदन तक दा इंदा सिजरा ओ चले सदन के ने ठीक है अच्छा जुमरा सही होने को अच्छा ए जलाली सही आदा जलाली सही आदा पर पूछ गोछ करनी तो तुसा हुन्ने नु कर सकदो अच्छा ए दसो जेडी ए मजार बनी पई है दिखाएं जी उधर मजार की तरफ इशारा कर ये जो मजार बड़ी पई है ये केंदी है ए बाबा शेख वजीर दन्ना नाल टिबा मशहूर है बाबा शेख वजीर हां अच्छा ठीक बाबा शेख वजीर जी ते टिबा पांच गावी को आदन पांच काई को सदे पांच का अच्छा ए जरा बरामदा है ए को सरे ने वो दौर दे जो बुजुर्गां दे उन 12 दरी दिखा सी दिखाएं जी ये जो आगे ये बरामदा बना हुआ इसको कहते हैं 12 दरी ठीक है जी ये शेख वजीर दा टिब्बा 12 दरी शेख वजीर का जी टिब्बा है इसको कहते हैं 12 दरी अच्छा ये वाला कब्र गुस्तान बनया गया ए दे अंदर ज़ईफ कुरान पाक एन ए मस्जिद अली यान वलीउल्लाह दे सुभान अल्लाह बेशक ए मस्जिद दा नक्शा इना मिहराब निकता पे जदा कोई उत फुर्सत थई जा कहीं अन कराया नहीं इंशाल्लाह सा कोशिश करेसु के भई असा इनको बेहतर तो बेहतर करवाऊं ए कुरान पाक मदफन है जी जी ज़ईफ जी ए वाल छाणे वने सन त महफूज रखे वने सन त वाले ने भी मिट्टी सटाई वेसी त मस्जिद बण वेसी सही लोग आ में नफल नहीं पढ़े बेशक सी बेशक नमाजन पढ़े तो साहब मोमिन में सी इंशाल्लाह जी बाकर मलंग ना चीज बाकी टिब्बा शेख वजीर है वाह जी वाह बहुत अच्छे जी हां सरकार जिंदगी दा कोई पता नहीं साह पर आया बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए जी ये हमारे सर मुजावर मौजूद हैं तो ये हमें कह रहे हैं कि आप नियाज़े हुसैन यहाँ से पी के जाएंगे हमें ऐसे नहीं जाने दे रहे ये और ये इनकी मोहब्बत है और सबील बड़े हाँ जी पानी पाएगी सबील हुसैन सबील सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सबील हुसैन दिखाओ जरा करीब का तो दिखाओ अच्छा तो सही हो तो पेमेंट ना मतलब कि ये तो वाली थिंक है ना को अंदर हां अंदर कुरान शरीफ ज़ईफ अंदर मजार दे अंदर सही अच्छा मजार दे अंदर ये जरी मजार है जो बंद अच्छा ये तले मजार है इन अंदर तले वा कोई राह नजर थे राह नजर आते क्यों जो कुरान दफन है हां कुरान सही इको अगर खर्च थी वने दा छाना लगने ज़ईफ कुरान पाक साफ थे चुने पूरी थाई कर मदफन थे वैसा अच्छा ए मस्जिद बन वेसी अली यान वली अल्लाह मस्जिद बन दे क्यों जो ए आलम पाक निशान इस बुजुर्गों दे वेले दे अच्छा शीश टाले दी लगी खड़ी अल्लाह कर जितो आबादी थई ए दरिया दे वाले आ पूरा मौजा एको कुरान आए का किताब है एको अल बैत आ सारा कब्र गुस्तान है शिया सुन्नी सब इत्थां मदफन है मजलिस भी होंदा इत्थां 9 मुहर्रम को आलम पाक चढ़े ने सही 5 मुहर्रम को तातीब है ते में भैया सही तबीयत सही ठीक है नियाज है हुसैन मलंग साहब दी वीडियो बनाओ सही ऐसे ही थे राय ने ए बोल सकदे कई समय सकदे बोले ने हेलो भाई सो था मलंगा हां अलवा वहां का फेक भाई सही है दल कितना अरसा थी के ते कोई था 5-4 साल 5-4 साल ते कोई था थी के इता क्या डिठे तू ए नाप के अच्छा हां सही तेरी उम्र क्या है 5-4 साल की उम्र है तेरी 5-4 साल उम्र है ए रातां काटते या नहीं काटते झाड़ू शाड़ू तू मरे न ख्याल तू सही तेरा ना क्या है शानू और इन्हें 4-5 साल उम्र डी काटते सिर्फ रात रात दी उम्र ने 5-4 साल है ना सर चलो चलो ना क्या है शानू 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 शानू
बुहारी देने बुहारी देने सारा डीमा जी हां शानो इतने रे शायद पैसे ए तेरी बुहारी दाई हां पता लग से तो आको जाने यार बिस्मिल्लाह की बकरी ने से ना ए बीबी ने दूध बंडी में जन दमले दी दुआ मंगवा के आनी था कर टाइम मलांगा हां बोलो सफेद वंडने कौन गे जरे तो गांव वाले का सेब वाले सही हां सही रेस के हलाल धारण बकरी धारण वाह जी वाह वाह का भी लेला फाल होए लंगा रो पक दे वाह जी वाह अठे घटे उनन डाला होंदे जुमेरा सही दाओ घड़ा अच्छा मुर्शिद सलामत रहो वे मौला आबाद रखे इससे बात की है अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी कुछ पता चला वो कह रहे हैं कि ये शेख वजीर एक था जिसके नाम से जो है ना ये किला बना था और किसी वजह से ये आफत की वजह से उल्टा हो गया था तो अब जो है ना ये इस तरीके से है इसको कहते हैं जो बरामदा बना हुआ है इसको कहते हैं बारह दरी अब वो कह रहे हैं कि ये कुरान पाक रखे हुए ज़ईफ़ हैं और हमें चाहिए कि इनको जो है ना हम तकसीम करें मस्जिद बनाएँ ठीक है ना और एक प्रॉपर जगह बनाएँ जहाँ पर बैठने की जगह भी हो और मुसाफिर खाना भी हो और जो मुसाफिर हैं यहाँ पे बैठे कुछ देर के लिए तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको हम इसके लिए कुछ खिदमात करें और अपनी सर्विस दें अगर जो हमसे इमदाद हो सकती है हम इनको इंशाल्लाह दे के जाएंगे ठीक है जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफ़िज़।